ये मेरे पास एक बेल्ट टेंशनर है और ये इसका बोल्ट है जो कि टूट गया है। ये इस तरह लगता है इसके अंदर ऐसे करके, और ये यहाँ से टूट गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये टूटा हुआ है। इसका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ है। वो यहाँ पर है। ये इस हिस्से पे आप ये है वो टूटा हुआ बोल्ट इनसाइड जो के अंदर है। टूटा हुआ बोल्ट हमें इसका टुकड़ा यहाँ से निकालना है। ये इतना आसान काम नहीं है, तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकलेगा। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो ये है कि हम इस ब्रोकन पीस जो उसके अंदर है उसके बिल्कुल सेंटर में एक होल करें। तो उस होल के लिए हमें इस किस्म का एक बुशिंग चाहिए होती है, ये वाली बुशिंग। ये इसके बिल्कुल इक्वल है, और जब आप इसके अंदर ड्रिल करेंगे यहाँ से ये, तो ये इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर बुशिंग होगी। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको बोल्ट के अंदर बुशिंग करेगी। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है जिसकी वजह से हमें ये बुशिंग चाहिए। मैं अब आपको दिखाता हूँ ये बुशिंग उसमें कैसे लगाएंगे। हमारा ये जो फर्स्ट टारगेट है वो ये है कि हम इस बुशिंग को पहले इसके अंदर डालेंगे। तो ये बुशिंग यहाँ से इसके अंदर हम यहाँ से इसको डाल के ये देखा लगा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये बुशिंग इसमें अंदर चले गई। इसके बाद हमारा जो दूसरा टारगेट है वो ये है कि ये ड्रिल जो है हम इसके अंदर डालेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये ड्रिल इसके अंदर यहाँ करके जाएगी, और हम इसमें जब ड्रिलिंग करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर के अंदर ड्रिल होगी। अब मैं आपको बताता हूँ अगला क्या आइडिया है। अब जो मेरे पास एक नया आइडिया है वो ये है कि या तो हम ये ड्रिल बिट इस्तेमाल करें तो ये बहुत बढ़िया है, वहाँ इसके लिए स्पेस नहीं है, तो हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ये कर रहे हैं, मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये क्या चीज़ है? ये है सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू है। तो ये और इसके मुकाबले में ये दोनों जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा है। अब मैं इसके लिए ये इस तरह का सॉकेट इस्तेमाल करता हूँ, और मैं आपको भी दिखाता हूँ कि मैं सब इसको कैसे कर इस्तेमाल। ये चीज़ अब जो है मैं इसके अंदर डाल के, और ये यहाँ पे मैं इसके अंदर इस तरह करके ड्रिल कर लूँगा। ये मैं इसको इस तरह निकाल लूँ पोस्ट। ये मेरे पास दूसरा एक्सट्रैक्टर है। अब मैं जो हूँ इसको इस्तेमाल करके इसके अंदर ही टूटा हुआ बोर्ड निकालूंगा।